उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बढ़ती निजीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन क्षेत्रीय इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा ने किया। प्रदर्शन कर रहे एम्प्लाइज यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार परिवहन निगम का निजीकरण किया जा रहा है, इससे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। इसके अलावा डग्गा मार वाहनों का संचालन प्राथमिकता के आधार पर बंद कराया जाए, जिससे निगम और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्ति हो सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने कहा, दिनेश मणि मिश्र, क्षेत्रीय अध्यक्ष यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र। यह यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन का एक दिवसीय सांकेतिक धरना चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। वर्तमान में धीरे धीरे परिवहन निगम अर्थात रोडवेज को वर्तमान के शासन सत्ता द्वारा निजीकरण की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। हमारे महंगे और कीमती ज़मीनों को 3P मॉडल के वजह से 3P मॉडल के साथ परिवहन निगम की निजी और अच्छी संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। वो हमारी बस स्टेशनों को डेवलप करेंगे और 60% के वो मालिक होंगे। आप विज्ञ होंगे कि आज किराएदार अगर घर में घुस जाता है उसे निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। 60 साल तक हमारी ज़मीनों पर राज करने वाले लोग बाद में हमें कैसे करेंगे। इसके साथ ही हमारे तमाम बस अड्डों को निजीकरण की तरफ दिया जा रहा है। इसके साथ तमाम डग्गा मार वाहनों को ये लोग परमिट दे रहे हैं, परमिट देकर हमारी बस स्टेशनों चलने की अनुमति देने का काम करने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के सातवें वेतन आयोग की देयकों को लेकर के, एरियर्स को लेकर के, छठवें वेतनमान के एरियर्स को लेकर के, संविदा चालकों परचालकों के नियमितीकरण को लेकर के, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उचित मापदंड को लेकर के, चालक परचालक की नियमित नियुक्ति को लेकर के, वर्कशॉप में हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारी अच्छी जनरल बसें खराब हो जा रही हैं, हमारी तमाम साधारण शटल बसें खराब हो जा रही हैं, वर्कशॉप में तकनीकी शाखा में कर्मचारियों की नियमित भर्ती किए जाने को लेकर के हम आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रतिबंधक कार्यालय पर दे रहे हैं। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो जैसा प्रदेश नेतृत्व हमारा निर्देश करेगा फिर हम अगले चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे।